उदयपुर राजस्थान का वो शहर जो झीलों की नगरी के नाम से फेमस है। वैसे तो दोस्तों राजस्थान के मेवाड़ की शान कहा जाने वाला उदयपुर अपने दो मुख्य झील फतेह सागर और पिछोला झील के साथ ही अपने इतिहास, स्थापत्य कला और प्राकृतिक सौंदर्य से विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन इन सबसे परे भी एक खास पहचान है उदयपुर की, और वो है इस शहर का ताज यानी कि सज्जनगढ़ पैलेस। तो चलिए दोस्तों अपने चारों ओर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरे सज्जनगढ़ पैलेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। दोस्तों सज्जनगढ़ जाने के लिए शहर के पास ही स्थित बायोलॉजिकल पार्क के गेट से हमें टिकट लेनी होती है। वहां से फिर हमें करीब 4 किलोमीटर की हिल ड्राइव करनी होती है, जो कि एक पहाड़ी जंगल वाला रास्ता है। तो दोस्तों ये है चारों ओर से खुला पहाड़ी के टॉप पर बना सज्जनगढ़ पैलेस। दोस्तों जहां सज्जनगढ़ के एक ओर उदयपुर शहर है, तो वहीं ये अपने 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, और यही भौगोलिक स्थिति सज्जनगढ़ को उदयपुर का ताज होने का एहसास देती है। दोस्तों इस पैलेस का अंदरूनी हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सरकार ने उदयपुर की वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखकर एक छोटा म्यूजियम बनाया है जो कि देखने लायक है। दोस्तों ये पैलेस सन 1884 में महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनवाया था। बताया जाता है कि सज्जन सिंह जी ने ये महल मानसून में बादलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए बनवाया था, और इसीलिए इसे सज्जनगढ़ मानसून पैलेस भी कहा जाता है। दोस्तों इस महल का पिछला हिस्सा बेहद ही खास है। यहां से 3 तरफ का 180 डिग्री व्यू आपको देखने को मिलता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो यहां से एक अच्छा पैनोरामा शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान के उदयपुर शहर का ताज सज्जनगढ़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।